पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरठ की बात की जाए तो मेरठ वन विभाग द्वारा अब म्यांमार सहित अन्य आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से पौधारोपण अभियान के मॉडल को अपनाया जा रहा है, जिसमें सबसे खास हाइडेंसी पद्धति है। अगर हम इस पद्धति की बात करें तो कम जमीन में अधिक पौधे लगाकर बेहतर कार्य किया जा सकता है, जिसमें कि एक एकड़ में 10,000 तक के पौधों को लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये वन विभाग द्वारा ही ये पौधारोपण के लिए नर्सरी तैयार की गई है, जो कम क्षेत्र में अधिक पौधों को उगाया जा सके। ऐसे में हम आज मेरठ DFO राजेश कुमार से भी जानना चाहेंगे कि इस प्रकार इस पद्धति पर कार्य किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम म्यांमार सहित अन्य प्रदेशों की बात करें तो इस पद्धति के माध्यम से जहां किसानों को काफ़ी फायदा हो रहा है, वही इंडस्ट्री के तौर पर भी बात की जाए तो उनकी डिमांड को पूरा करने में काफ़ी सफलता मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से अब ज़मीनें कम होती जा रही हैं, उसके लिए वृक्षों के लिए नई पद्धति समय की मांग भी है। ऐसे में हमारे साथ DFO राजेश कुमार हैं, हमसे ही बात करते हैं। सर, देख रहे हैं कि पेड़ पौधों के क्षेत्र में नई नई विधि को भी अपनाया जा रहा है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, क्या कुछ ऐसी नई तकनीक अपने पश्चिम में भी उपयोग की गई है, किस तरह का परिणाम? पश्चिम यूपी में मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ये डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने हाई डेंसिटी प्लांटेशन के एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स तैयार किए हैं, जिन पर हम लोग 2-3 वर्ष से काम कर रहे हैं, जिसमें कि इंडस्ट्रियल वृक्षारोपण, जिसमें 1 हेक्टेयर में 10,000 टिम्बर स्पीशीज का प्रोडक्शन हम लोग करने के लिए मॉडल बनाया गया है। ऐसे ही मियावाकी पद्धति से मॉडल से किया जाता है, जिसमें 1x1 मीटर पे 2.5 से 3.5 पौधे 1x1 मीटर पे ही लगाए दिए जाते हैं, ताकि एक मिक्स्ड फॉरेस्ट 5 से 6 साल में ही तैयार हो जाए। ऐसे मल्टीपल मॉडल्स हम लोगों ने साइट स्पेसिफिक बनाए हैं, जिससे कि ज़मीन की उपलब्धता की जो कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं उसको देखते हुए, और प्रदूषण का जो लेवल है उसको देखते हुए नए एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स हम लोगों ने अपनाए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनाए हैं, और अदर डिपार्टमेंट के थ्रू भी हम लोग करा रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जो टारगेट्स हैं, जो शासन के द्वारा चिन्हित किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ के सहयोग से पर्यावरण विभाग उसमें मियावाकी पद्धति से उसको वृक्षारोपण कर रहा है, जिसके 2 साल में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को भी मिल रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि किसान की जो आय की वृद्धि की बात करी जा रही है, कहीं ना कहीं इस रणनीति के तहत की तरफ बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, हमने ग्राम समाज के लाइन पे भी 2-3 साइट पे ऐसे पैचेस तैयार किए हैं, जिसमें कि आने वाले दिनों में वो अगर सक्सेसफुल मॉडल्स दिखाई देते हैं, 2-3 साल उनको हम लोग दे रहे हैं, ताकि उसको हम ग्राम समाज पे रेप्लिकेट करें, जिसमें कि टिम्बर स्पीशीज को मिक्स करते हुए शूटिंग स्पीशीज के साथ ग्राम समाज की लाइन पे लगाया जाए, ताकि ये कि वृक्षावरण भी बढ़े और ग्राम समाज की इनकम आने वाले दिनों में उससे बढ़े और पीरियोडिक इनकम बढ़े, कि उसी साइट्स पे टिम्बर की स्पीशीज कटे और फिर दोबारा वहीं वृक्षारोपण हम लोग कर सकें। एक साइक्लिक प्रोसेस के माध्यम से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी हो, गाँव की इनकम भी बढ़े, खुशहाली भी बढ़े और ग्रीनरी भी बढ़े।